आई एम डॉक्टर बीना सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एंड माय टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखेंगे। हालांकि ये हमारा बहुत पुराना टॉपिक है, 11th-12th से बल्कि 9th-10th से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले हम इसका ब्रीफ में क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैटर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैटर जब साइंटिस्ट ने देखा, साइंटिस्ट तो क्या, जब पुराने जमाने में जो ऋषि महर्षि होते थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि एवरी मैटर हैज डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, उसकी जो स्मॉल यूनिट है वो क्या है, एटम्स हैं। नेक्स्ट जो डाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टैटिक एनर्जी को जब देखा कि अगर हम किसी चीज को रब करते हैं और उस पर क्या होता है, चार्ज आ जाता है, उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, मेटल जो एटम जो है वो क्या है, इंडिविजिबल है। उसके बाद 1900 में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि एटम इंडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल है। उसके पीछे क्या लॉजिक रहे कि 1886 के अंदर कैनाल रेस का एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने, और उन्होंने बताया था कि उसके अंदर एटम के अंदर कम से कम एक सब यूनिट और है, एक सब पार्टिकल और है, जिसको उन्होंने माइनस का नेगेटिवली चार्ज बताया, और उसका वेट जो है उन्होंने क्या बताया कि दूसरी यूनिट के कंपेरिजन में वो बहुत ही हल्का है। 1847 के आसपास उसका 1/1847 के आसपास उसका वेट होता है, और क्योंकि उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसमें इक्वली क्या होगा, सेम अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। और 1897 में ये पता चल गया था कि यस, इसके अंदर कम से कम एक मिनिमम पार्टिकल और है, मतलब एटम के अंदर एक सब पार्टिकल और है। फिर जे.जे. थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें उन्होंने कहा था कि लाइक पुडिंग क्या होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज से एटम बना हुआ होता है और उसके बीच में कहीं कहीं कहीं, जैसे पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट होता है या हम समझ सकते हैं तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, वहां ऐसे ऐसे क्या होते हैं, हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन्स सरफेस के ऊपर लगे हुए होते हैं। 1897 में उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी दी और 1906 में उनको नोबेल प्राइज भी इसी चीज के लिए मिला। इसके बाद क्या हुआ, एक कैनाल रेस का एक्सपेरिमेंट किया। उस कैनाल रेस के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लें, उसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव पॉजिटिव लगा दें और उसका प्रेशर वैक्यूम पंप से क्या करें, बहुत ही कम, लगभग वैक्यूम कर दें, प्रेशर हम रखते हैं 0.001 मिलीमीटर, और इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करें, हमने लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, तो हम क्या देखते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकलती है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पार होती हुई इसके बैक साइड पे जो ल्यूमिनिसेंट स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर जाके वो ग्रीन और ब्लू कलर की ग्लो क्रिएट करती है। तो ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पार्टिकल इन नेचर और वो इस तरीके से मूव करते हैं। इसी के साथ क्या हुआ, मिलिकन ने हमें इनका चार्ज भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल है इनका चार्ज कितना होता है, ये होता है आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। और साथ में E/m रेशियो थॉमसन ने निकाला कितना कि 9.1 × 10⁻³¹ इनका मास होता है, जिसको उन्होंने डिफ्रेक्शन मेथड से निकाला था। और इसको ग्राम में देखें तो 9 × 10⁻²⁸ ग्राम्स इसका वेट होता है। तो E/m रेशियो जैसे थॉमसन ने दिया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इधर रख दिया और 9.1 × 10⁻³¹ इसका क्या रख दिया, हमने मास रख दिया, तो हमें इसका जो E/m रेशियो आता है वो क्या आता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम पर किलोग्राम। अब हम इसमें क्या देखते हैं, ये जो चार्ज निकाला गया था ये कौन से एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था, चार्ज निकाला गया था ऑयल ड्रॉप वाले एक्सपेरिमेंट से। और हम बहुत पुराने उस पे जाएं तो हम क्या देखते हैं, कनद नाम के एक महर्षि थे, उन्होंने क्या कहा था कि हर मैटर जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया था, अणु। और बाद में उन्होंने कहा कि अणु भी क्या है, आगे और भी स्मॉलेस्ट पदार्थ से या सब्सटेंस मैटर से बना हुआ है, उसका नाम उन्होंने दिया परम अणु। परम अणु से ही बना है परमाणु, तो परमाणु को आजकल हम क्या कहते हैं, एटम, और अणु को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल।
कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटम के बाद हम क्या देखते हैं, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ अपने कंक्लूजन ड्रॉन किए थे। एक्सपेरिमेंट क्या था रदरफोर्ड का, कि उन्होंने एक सर्कुलर ऐसे स्क्रीन ली थी, इस तरीके से सर्कुलर स्क्रीन, उसके बीच में एक गोल्ड फॉइल रखी थी। वो जो गोल्ड फॉइल थी उसकी थिकनेस उन्होंने ली थी 0.006 मिलीमीटर, और साथ में जो उसकी थिकनेस आती है अगर उसको हम एटम्स में देखें तो ओनली 1000 एटम्स एक थिकनेस वाली लाइन में आते हैं। उन्होंने इसको इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि इसकी मैलियबिलिटी गोल्ड की क्या है, ज्यादा। और आप सब जानते हैं गोल्ड की मैलियबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए हम बहुत ही हल्के मतलब बहुत ही कम ग्राम्स लेके गोल्ड के हम ऑर्नामेंट्स बनवा लेते हैं। नेक्स्ट, जो ये स्क्रीन ली थी वो किसकी थी, जिंक सल्फाइड की। इसकी एक मतलब एप्लीकेशन क्या होती है कि इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे ये ल्यूमिनिसेंट क्रिएट करती है। इन्होंने क्या किया, इसके स्क्रीन के ऊपर यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दें तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम के न्यूक्लियाई की उन्होंने बम्बार्डमेंट की, और हीलियम न्यूक्लियाई उन्होंने कहां से बनाए, रेडियम और पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और ये एमिट करते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल्स। तो इन्होंने क्या किया, इन अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया, इसकी स्पीड बढ़ाई, इसकी हाई एनर्जी होती है, और इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया। तो उनका ये थॉमसन मॉडल और ये सब देखने के बाद ये था कि अगर एटम के अंदर कोई और अल्फा पार्टिकल्स हैं, इस तरह से हीलियम न्यूक्लियस या कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द जो एटम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे जाके उन्होंने स्ट्राइक किया। 1, 2 ने क्या किया, ऐसे राइट एंगल पे ट्राई मतलब कुछ एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हुए, और लेकिन 1 out of 12,000 मतलब लगभग 12,000 में से एक, एवरी 12,000 में एक अल्फा पार्टिकल बैक साइड पे आया और उसने स्ट्राइक किया। तो इसने और इस वाले ऑब्जर्वेशन ने क्या किया, उनको सोचने के ऊपर बाउंड किया कि जो एटम का स्ट्रक्चर थॉमसन ने दिया है वो करेक्ट नहीं है, उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर दिया वो क्या दिया, कि जो एटम का कंप्लीट मास है वो क्या है, एक सेंटर में होता है। जैसे ये अगर इतना बड़ा एटम है तो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज और उसका मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में कहीं है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि पूरे एटम के साइज के कंपैरिजन में 1/10^5 सिर्फ इतना सा साइज होता है किसका, न्यूक्लियस का, कि ये 10^5 रेडियस बड़ी होती है और इसकी क्या होती है, न्यूक्लियस की छोटी। तो पूरे एटम के अंदर बीच में एक वेरी 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 स्मॉल पॉइंट की तरह होता है क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही सारा वेट होता है, जो मास है वो सारा वही है, लेकिन जो बाहर का पोर्शन है इतना बड़ा वो सारा क्या होता है, खाली होता है। और उस वैक्यूम या उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज वो इस तरीके से स्पाइरली चक्कर लगाते रहते हैं और इससे अट्रैक्ट भी रहते हैं, इससे जुड़े हुए भी रहते हैं, और इसके ऊपर उनको 1908 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला। तो इस मॉडल की अपने आप में कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी कि इन्होंने बताया कि एटम के अंदर भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और सारा मास रखता है। लेकिन जो उन्होंने इसके ड्रॉबैक्स भी थे, उन्होंने क्या कहा कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरली इसके चारों तरफ लगातार चक्कर लगाता रहता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे वो पास आएगा क्या होगा, अट्रैक्शन और इंक्रीज होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वो स्टेबिलिटी लेने के लिए कंटिन्यूअसली क्या करेगा, मूव करेगा, अंदर आएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा, तो जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए जो रदरफोर्ड मॉडल था ये उसकी क्या बनी, ड्रॉबैक बनी, और इसको फिर ओवरकम किया बोर मॉडल ने। रदरफोर्ड मॉडल के बाद नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया, उन्होंने ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड को ओवरकम किया और 1922 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि न्यूक्लियस तो नो डाउट जैसे रदरफोर्ड मॉडल में एटम के सेंटर में रहता है, उन्होंने भी सेंटर में ही बताया, लेकिन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस शेल्स
कि भाई इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा ऐसे नहीं करते, बल्कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, बहुत सारे शेल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, और अगर उस फिक्स्ड एनर्जी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो वो एनर्जी गेन करता है ना वो रिलीज करता है। गेन और रिलीज वो तभी करता है जब वो एक शेल से दूसरे शेल या दूसरे शेल से पहले शेल में आता है। तो उन्होंने इस तरीके से कई मतलब इमेजिनरी उन्होंने कई शेल्स बनाए। फर्स्ट शेल को उन्होंने नाम के एल एम एन इस तरीके से दिया। के लिए जो एन की वैल्यू है, एन इज इक्वल टू वन होता है, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू फोर, इस तरीके से दिया। उन्होंने कहा अगर वो वन में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। वाई? क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है। लेकिन जब हम टू में जाएंगे तो वो थोड़ा सा दूर है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो इसलिए जब वो वन से टू में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब टू से वन में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। क्योंकि के से एल जाने पे अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि दूर आ गया अट्रैक्शन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी और एनर्जी उसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर एल से एम पे आता है तो सारा काम रिवर्स होगा। तो ये इन्होंने अपना क्या दिया था, एक मॉडल दिया था जिसको हम बोर्स मॉडल के नाम से जानते हैं। बोर्स के बाद चैडविक ने 1932 में ये भी बताया कि एटम के अंदर ये नहीं कि सिर्फ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बल्कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है, यानी कि उन्होंने तीसरा सब पार्टिकल भी ऐड किया और उसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। अब इसके साथ उन्होंने क्या बताया, जो उसका वेट होता है वो प्रोटोन के वेट के बराबर होता है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो निल चार्ज रखता है। और सारे एटम्स में न्यूट्रॉन मिलते हैं इन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके मेन आइसोटोप में नहीं है। अगर हम इसका ड्यूटेरियम या ट्रिटियम देखते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था कि एक इस तरीके से फर्नेस लेके उसमें एक लाइटर एलिमेंट्स बेरिलियम या बोरोन को रखा और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। तो उन्होंने क्या देखा कि जो उसमें से जो रेडिएशंस निकली उन्होंने उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में से डिफ्लेक्ट किया, यानी कि बाहर उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया। उनकी ये इमेजिनेशन थी कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने सेम देखा कि प्रोटॉन्स जो है वो नेगेटिव की तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। साथ में उन्होंने गैप भी देखा कि प्रोटॉन जल्दी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट मींस दे आर हैवियर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स बाद में जाके डिफ्लेक्ट होते हैं, दे आर लाइटर। आप ऐसे सोचो कि अगर एक मैं भारी पत्थर को फेंकती हूँ तो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो जल्दी से नीचे गिर जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं हल्के पत्थर को फेंकती हूँ तो वो स्पीड से फेंकती हूँ तो वो बहुत दूर तक अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा, बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे गिरता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इतनी दूर चलने के बाद डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ये ली कि इन दोनों के साथ साथ कुछ रेडिएशन ऐसी भी निकली जो कि कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ना तो पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ। इट मीन्स ये जो नए टाइप की रेडिएशन हैं दे आर न्यूट्रल, नहीं तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से क्या होती, अट्रैक्ट होती, डिफ्लेक्ट होती। तो उन्होंने इनका नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन्स रखा। बोर ने जो अपने मॉडल में शेल्स बनाए थे उनमें उन्होंने क्या कहा कि ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी लाइन खींच दो और ऑल आर पॉसिबल, नहीं, उन्होंने कहा केवल और केवल वो शेल्स जो है पॉसिबल हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम एमवीआर क्या होना चाहिए, एच अपॉन टू पाई का सिंपल इंटीजर होना चाहिए। एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट में मूव करेगा तो 1, सेकेंड में मूव करेगा तो 2 होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं कि आप सोचो कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करा दूं, यहां पे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर वो मूव करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का सिंपल इंटीजर नहीं आता। और साथ में उन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ती जा रही है, उसकी पेरिफेरी जो सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इनके बीच का गैप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और उन्होंने वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया जिसमें ये सारे क्या है वैल्यूज कांस्टेंट, ओनली जेड और एन क्या है कांस्टेंट नहीं है। तो हम देखते हैं वी जीरो जेड इंटू जेड अपॉन एन, और रेडियस का उन्होंने फॉर्मूला दिया, सारे कांस्टेंट है उसको हमने आर जीरो मान लिया, जो कांस्टेंट नहीं था एन स्क्वायर अपॉन जेड। और उन्होंने टाइम क्या बताया कि स्पीड अपॉन
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो उसके अंदर अगर हम डिस्टेंस और वेलोसिटी का डिवाइड कर दें तो सारे कांस्टेंट को हम टी जीरो मान लेते हैं और जो बाकी नॉन कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो एन थ्री और जेड स्क्वायर बचता है। ये जो मॉडल दिया गया था ये केवल उन सिस्टम्स के लिए दिया गया था जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक है, जैसे हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस टू में एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम प्लस थ्री में, बोरोन प्लस फोर में। तो इसलिए केवल ये स्टडी लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर ही की गई थी और उन्हीं के लिए ये सारी कैलकुलेशन करके बोर मॉडल दिया गया था। रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल में दोनों में ये कंसिडर किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिकल है और पार्टिकल की फॉर्म में वो मूव करते हैं, लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, आइंस्टीन और प्लैंक्स की इक्वेशन से ये हमें पता चला कि जो सनलाइट की जो रेडिएशंस हैं उनका ड्यूअल करेक्टर है, यानी कि वो वेव फॉर्म में भी मूव करती है और पार्टिकल नेचर में भी। तो आइंस्टीन ने उसके लिए ड्यूअल करेक्टर वाली वेव्स के लिए वेव नाम दिया उसको और ये कहा कि उस वेव के अंदर फोटोन कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। तो डी ब्रोगली ने 1924 में सबसे पहले ये कहा कि हम इलेक्ट्रॉन को भी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं इलेक्ट्रॉन की जो ये प्रूव करती हैं कि वो एज ए वेव है, जबकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसे प्रूव करती हैं कि वो मैटर है। तो उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकते हैं, ड्यूअल करेक्टर वाली वेव की तरह कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि इसको हम मैटर वेव बोलेंगे क्योंकि ये फोटोन से नहीं बल्कि मैटर से बनी है। तो इसलिए उन्होंने उसका नाम मैटर वेव दिया और ये भी क्या रखता है, ड्यूअल करेक्टर रखता है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो वेव बनेगी मैटर वेव उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसे निकालेंगे, एच अपॉन एमवी से, जिसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन भी कहते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन को कैसे प्रूव करते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो रेडिएशन है सनलाइट की जो एनर्जी के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं प्लैंक्स की, इज इक्वल टू एच न्यू, जबकि आइंस्टीन मास को कोरिलेट करते हैं एनर्जी से, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। दोनों ही एनर्जी के बराबर है तो हमने एच न्यू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर कर दिया और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है तो हमने कर दिया एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो आप या तो यहाँ पे सी और सी एक कैंसिल कर सकते हो या फिर यहाँ पे कर सकते हो, एच सी और एमसी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। अब मैंने एक सी को कैंसिल कर दिया और क्योंकि ये मैटर वेव्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा और वेलोसिटी जो यहाँ पे सनलाइट की वेलोसिटी थी मैंने उसको किससे चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से। तो मेरे पास क्या आ गई, डी ब्रोगली इक्वेशन। ये इसका मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है, मास इनटू वेलोसिटी। और एच क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी उसकी प्रोपोर्शनल होगी वन अपॉन मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन भी कहते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये वाली एप्लीकेशन जो इक्वेशन है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पार्टिकल्स विच आर वेरी 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 लाइटर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो उस तरह के पार्टिकल्स के लिए सही है। अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस इक्वेशन को लगाओगे तो जो मास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगी, बहुत 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 नेगलिजिबल होगी, उसको काउंट करना क्या है या मेजर करना क्या है, मुश्किल। तो इसीलिए इसका जो सिग्निफिकेंस है इट इज ओनली फॉर लाइटर पार्टिकल्स। विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इन वेव फॉर्म। हमने क्या किया, टंगस्टन फिलामेंट को गर्म किया, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या किया, निकिल सल्फाइड क्रिस्टल्स के ऊपर से हमने डिफ्रेक्शन किया, उसके ऊपर हमने फॉल किया। तो हम क्या देखते हैं, बिकॉज ऑफ डिफ्रेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो रिंग्स बनी वो क्या थी, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स थी इस तरह की, सबका सेंटर एक ही था। तो ये प्रोसेस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स तभी बनती हैं जब इसके अंदर डिफ्रेक्शन का प्रोसेस हो और ये वेव नेचर हो, अगर पार्टिकल नेचर होगा तो वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स नहीं बनेंगी। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव फॉर्म में ही होता है। डी ब्रोगली इक्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक न्यूक्लियस के बाहर अगर कई रेडियस के शेल्स पॉसिबल हैं, हम इन्फिनिटी नंबर ऑफ शेल्स बना सकते हैं, लेकिन वो शेल्स या उस रेडियस के शेल्स पॉसिबल होंगे जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन वेव
चल रही है तो वो क्या करे, उसका मोमेंटम इतना हो कि वो एक पूरा सर्कल करने के बाद वेव का भी क्या हो, पूरा सर्कल हो जाए। जैसे मैंने इस रेडियस का एक सर्कल बनाया जिसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, इसमें अगर ये वेव इस तरीके से मूव कर रही है इस रेडियस पे, इस रेडियस वाले सर्कल में, तो हम क्या देखते हैं, जब ये यहां तक पहुंचती है तो इसका सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है, चाहे ये 4 टाइम करे चाहे 5 टाइम करे। लेकिन अगर वो इस तरीके से हो, रेडियस को अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूं, तो क्या होगा, वो पूरा करने से पहले ही सर्कल खत्म हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, ऐसे वाले शेल्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं होते। केवल वही शेल्स पॉसिबल हैं जिनमें जैसे n=1 है, तो उसमें क्या होगा, वो वेव केवल एक ही बार अपना साइकिल पूरा करेगी। n=2 है तो उसमें क्या होगा, वो 2 बार अपना साइकिल पूरा करेगी, और n=3 है तो उसमें 3 बार, और इसके बीच में 2.1, 2.2, 2.3 ये पॉसिबल नहीं होते। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने हमें काफी हेल्प की एटम के मॉडल को डेवलप करने में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि सन से आती हैं, और मैटर वेव्स में क्या डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्लेन में होगी। इस तरीके से एक इस प्लेन में होंगे वाइब्रेशन, एक इस प्लेन में। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं, अगर उनकी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो इस तरीके से जो वाइब्रेशन होते हैं वो अपर अप डाउन, वो होते हैं उसके इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन। लेकिन साथ में जो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहे इस प्लेन में, ये होते हैं मैग्नेटिक। तो अगर मैग्नेटिक प्लेन में है तो इलेक्ट्रिकल वाले वर्टिकल होंगे, और अगर मैग्नेटिक वर्टिकल है तो इलेक्ट्रिक वाले प्लेन में होंगे, यानी कि दो में से एक प्लेन में होता है और एक वर्टिकल होता है। जबकि जो मैटर वेव्स हैं, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड। नेक्स्ट, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। सन से लेके अर्थ तक क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं, और बीच में बहुत सारी डिस्टेंस ऐसी होती है जहां पे सिर्फ वैक्यूम है, वहां पे कोई भी मैटर नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, इवन देन दे रीच अप टू अर्थ, और इसके ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि जो इलेक्ट्रॉन वाली वेव्स है या जो मैटर वेव्स है, दे नीड मीडियम टू ट्रेवल। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। नेक्स्ट, इनकी जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो लाइट ऑफ सनलाइट की स्पीड के बराबर होती है, दैट इज 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जबकि इनकी जो स्पीड है वो लेस देन लाइट होती है, लाइट के इक्वल नहीं होती। और इनकी वेवलेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी से, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। जबकि इनकी वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम एच अपॉन एमवी, डी ब्रोगली इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, और जहां पे वी क्या होता है, इसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट, ये जब सन से चलती हैं तो क्या करती है, सन को वहीं पे छोड़ के खुद यहां आ जाती हैं। इसी तरीके से ये क्या करती है, लीव द सोर्स, जहां से निकली हो उस अपने सोर्स को छोड़ के आगे ट्रेवल करती हैं। जबकि जो मैटर वेव्स है, दे डू नॉट लीव द सोर्स, वो जिससे निकली है घूम के वापस वहीं आ जाती हैं। तो डू नॉट लीव द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को ये छोड़ती नहीं है। तो ये था इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड मैटर वेव्स का डिफरेंस। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारा क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक तरह से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आगे इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, क्वांटम नंबर्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स ये आने वाले हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ये लेक्चर पूरे देखते रहिए, और आपकी जो क्वेरीज हो वो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीका की साइंस पे मेरे को लिख के डालिए कमेंट बॉक्स में, अगर मेरी पास वो पहुंचते हैं आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसे कि इसके नाम से ही लगता है, अनसर्टेनिटी मीन्स इसमें हम कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी की बात करने वाले हैं। हाइजेनबर्ग ने 1927 में हमें क्या बताया था कि कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है
जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, और हमें उसकी पोजीशन भी बताना है कि टी टाइम पर उसकी पोजीशन कहाँ है, और साथ में हमें उसकी पोजीशन के साथ हमें उसकी वेलोसिटी भी बतानी है कि उस पोजीशन पे जब वो पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो अगर हम बात करें हैवी ऑब्जेक्ट्स की, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उनके केस में पोजीशन और वेलोसिटी बताना दोनों ही क्या होते हैं, क्वाइट इजियर और आसान होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, या हम बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरीके से मूव कर रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते, और हमें पता लगाना है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, तो हम जिसको देख ही नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखने के लिए उसके ऊपर रेडिएशंस डालेंगे, और वो रेडिएशंस उससे टकराकर क्या होंगी, वापस बाहर आएंगी और हमें उसकी पोजीशन बताएंगी। जैसे ही हमें स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ल्यूमिनिसेंट क्रिएट होगा, हम बताएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन इस समय टी पॉइंट टी टाइम पे वो यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन। अब जब आप उसकी पोजीशन बताने के लिए उसको वेव से क्या कराते हो, इंटरेक्ट कराते हो, तो वेव्स आपके पास ऑप्शन होता है कि आप शॉर्टर वेवलेंथ भी ले सकते हो वेव्स, और लॉन्गर वेवलेंथ भी ले सकते हो। अगर आपने शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव्स ली तो इनकी आप जानते हो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये इससे अच्छे से आसानी से इंटरेक्ट कर सकती हैं, और इसकी वेलोसिटी को क्या करेगी, वेलोसिटी और डायरेक्शन, जैसे कि अब ये जो इस तरीके से मूव करना था ये इधर ना करके अब आगे से मूव करेगा, तो ये इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों को क्या करती है, चेंज कर देती है। तो हमें इसकी पोजीशन तो पता चल जाती है जब लैम्डा क्या है, स्मॉल, तो लैम्डा स्मॉल होने पर हमें उसकी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से पता चलती है, एक्यूरेटली पता चलती है, लेकिन हम उसकी वेलोसिटी को या उसके मोमेंटम को हम नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि वो खुद हाई एनर्जी का होने के कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी वेलोसिटी को अफेक्ट करती है। अब अगर हम क्या करें, इसकी जगह लॉन्गर वेवलेंथ वाली वेव्स ले लें, तो नो डाउट उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो वो उसकी वेलोसिटी और एनर्जी को चेंज नहीं करेगी, इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, लेकिन उसकी पोजीशन में अब वो उससे इंटरेक्ट करके उतनी जल्दी से आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाएगी। जब आपको रिजल्ट नहीं देगी, जब तक वो आपको रिजल्ट देगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन क्या करेगा, बदल चुका होगा। तो आप फिक्स टाइम टी के ऊपर अगर आप पोजीशन एक्यूरेटली निकालना चाहते हो तो आप वेलोसिटी के साथ क्या करते हो, अनसर्टेनिटी लेके चलते हो, और अगर आप अनसर्टेनिटी पोजीशन के साथ लेते हो तो फिर वेलोसिटी के साथ सर्टेनिटी ज्यादा आती है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन के साथ अनसर्टेनिटी है, और डेल्टा पी क्या है, वेलोसिटी के साथ उसकी अनसर्टेनिटी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी लेस देन एच अपॉन टू पाई नहीं होगा, या तो वो इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा, किससे, एच अपॉन टू पाई से। और ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये हमारी डे टू डे लाइफ को कहीं से भी अफेक्ट करता नहीं है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजों के से इंटरेक्ट करते हैं या जिन्हें हम काम में लेते हैं, दे आर क्वाइट बिग लार्ज, हम उनको क्या कर सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं कि टी टाइम पे इसकी पोजीशन यहाँ है, हमें उससे इंटरेक्ट करवाने की वेव्स की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन दी गई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस चैप्टर में आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये तो जो हमने सारा अभी देखा इंट्रोडक्टरी, ये इसका हिस्ट्री से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हिस्ट्री से। आगे हम क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल, रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।